गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सुनरेखा ITI। आज के इस वीडियो में हम ट्रेड टूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, छिद्रों को बड़ा करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन को देखें और सही ऑप्शन पर आंसर दें। दूसरा है, लकड़ी की फिटिंग में छिद्र करने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त है। ऑप्शन को पढ़े ध्यानपूर्वक और उत्तर दें। इस वीडियो के अंत में मैं सबको उत्तर प्रोवाइड करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, फाइल किस धातु की बनी होती है। सही ऑप्शन को ध्यान से पढ़े और उत्तर दें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, वायरिंग करते समय ऊर्ध्व लाइन खींचने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त है। ऑप्शन जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, प्लम्बर, पोकर, हेक्सा स्केल, ट्राई स्क्वायर वगैरह। सही उत्तर जो भी है वो आप दे। तारों का साइज किससे नापा जाता है, स्केल, वायर गेज, इंच टेप, रस्सी या सभी। जो भी सही उत्तर है आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के दे। नेक्स्ट है, हथौड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। सही ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही उत्तर हमें अवश्य बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचते हैं। करंट, फेज वोल्टेज, वाटेज, न्यूट्रल। सही उत्तर अवश्य दे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या काम में लिया जाता है। हथौड़ा, लॉन्ग नोज प्लायर, स्पैनर, साइड कटिंग प्लायर या पेचकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लकड़ी के बोर्ड या राउंड ब्लॉक में पेच कसने के लिए छोटे छिद्र किस औजार से बनाया जाता है। आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन किस कार्य में प्रयोग होता है। सही ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, गीले मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर जरूर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी जॉब को पकड़ने, काटने व फाइलिंग करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को पढ़िए और उत्तर हमें अवश्य दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड हॉल बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। ये सभी ट्रेड टूल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में निहित कार्य करने की क्षमता उसकी डैश है। जो भी आंसर है यहाँ पढ़िए ऑप्शन में और इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट के आधार पर रेतियाँ कितनी प्रकार की होती है। ऑप्शन है 3, 5, 6, 4 और 10। जो भी सही उत्तर है उस पर आप टिक करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। ये न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन है, इसे बना के सॉल्व करके इसका उत्तर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनेंसॉ लकड़ी काटता है। टेनेंसॉ जो है वो लकड़ी कैसे काटता है, वही ऑप्शन में पढ़ के ध्यानपूर्वक इसका उत्तर दे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यों में कैंची का प्रयोग कहाँ होता है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और जो भी इसका सही उत्तर हो वह अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नेक्स्ट है, मानक वायर गेज की रेंज कितनी होती है। जो भी मानक वायर गेज की रेंज है वो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, जो भी सही उत्तर हो वो हमें बताएं आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का रेजिस्टेंस। ऑप्शन को सारे को पढ़िए और जो भी इसका सही उत्तर है वो हमें अवश्य बताएं। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो के अंत में आप सबको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, तो ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। आप अपने से घर में इसे बनाएं और इन उत्तरों से अपना उत्तर का मिलान करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए धन्यवाद। आप सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे और हमारे साथ पढ़ते रहिए।